सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में जो है अभी कोविड से जस्ट हम लोग बाहर ही निकल रहे हैं और इतने सारे इश्यूज हमारे देश में चल रहे हैं, इस चीज़ को लेके आज हम बात करने वाले हैं। आप खुद एक एडवोकेट है और आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो करंट सिचुएशन चल रही है जो कास्टिज्म को लेके, और लोग जो है सोशल मीडिया पर जैसे फॉर एग्जांपल रविंद्र जडेजा, फिर सुरेश रायना, ऐसे जो बड़े पब्लिक फिगर है वो जब कास्टिज्म के बारे में बात करते हैं तो सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपसे जानना चाहूँगा मैं, और कितनी गलत चीज़ है ये इस बारे में बताइए हमें। इन द मिड्स ऑफ कोविड और आज के ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं कोविड की, ठीक है, और हम बात करते हैं 21st century की, हम बात करते हैं चांद में जाने की, हम बात करते हैं इतना कुछ अचीवमेंट करने की, इन सब के बावजूद भी हमें आज ये सवाल पर दोबारा बात करनी पड़ती है जिसका नाम है कास्टिज्म, जात पात। 21st century में अगर मुझे आज भी अपने आप को ब्राह्मण, राजपूत या कोई भी कास्ट के बारे में बात करना पड़ता है तो सबसे बड़ा सवाल हमको अपने आप से पूछना पड़ता है, द क्वेश्चन हैज टू बी रेज From us, within us, कि आज हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, ये हमारी सोच पे क्वेश्चन है, ये हमारे विकास पे क्वेश्चन है, और ये साथ ही साथ हमारे जो मार्ग है, जो प्रोग्रेस है, उस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कि अगर मुझे आज भी किसी को जज करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट तो इससे शर्म वाली बात हमारे लिए कोई हो सकता है। अगर मैं ये बात करूं रविंद्र जडेजा जो कि अच्छा क्रिकेटर है, मैं उसको वैसे जज करूं कि वो ब्राह्मण है तो मुझसे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं पाएगी। मुझे पता है कि रविंद्र जडेजा जो है वो अच्छा क्रिकेटर है, बट जब मुझसे ये पूछा जाए कि वो ब्राह्मण है, आई हैव नो आइडिया वो ब्राह्मण थे। आज आपने क्वेश्चन किया है और यही लहर जो है फ्रॉम पास्ट 5 years 10 years से इस देश में चल रही है। नाउ दिस इज अ साइन ऑफ अ रिग्रेसिव सोसाइटी, जहां हम बात करते हैं कि हमें प्रोग्रेस करना है, तो प्रोग्रेस सिर्फ मॉल से, रोड से नहीं होता है, वो सोच से होता है। जब हमारी सोच आज भी यहाँ पे है कि हम आज ये बात करते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो इस कास्ट का है, तो ये देश में कैसे उन्नति होगी। और सबसे शर्म वाली बात है कि जो इंसान पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंसान रोल मॉडल है, पब्लिक फिगर है, वो जब ये बात करते हैं तो आप सोचिए कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। जब एक्स वाई जी इंसान ये बोलता है कि मैं ये कास्ट का हूं, तो वो क्या मैसेज आगे भेज रहा है और किस मानसिकता से वो ये बात कर रहा है। दो बातें कि आप आज यहाँ पे ये बातें क्यों बोल रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूं, आपको यहाँ पे क्या क्या नौबत आ गई कि आज भी आप ये बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। आपको ये बोलना चाहिए कि मैं अच्छा क्रिकेटर हूं। आप ये बोलो कि बच्चों को कि आपको अच्छा प्लेयर बनना है। आपको ये क्यों बोलना है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं जम्मू का हूं, इससे मुझे मतलब नहीं है। तो ये आज भी सवाल है हमारी सोच पे कि इंडिया कहां जा रहा है, हम क्या चाह रहे हैं और कहां जाना चाहते हैं, इससे नीचे और कहां गिरेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, व्हिच वी नीड टू आस्क एंड वी हैव टू गो फॉर रिट्रोस्पेक्शन आल्सो टू अंडरस्टैंड इफ वी जेन्युइनली वांट टू प्रोग्रेस एज अ कंट्री। हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सुपरफिशियल होता है, मॉल ले आओ, गाड़ी ले आओ, आप वो सब कुछ सुपरफिशियल है। तभी आज भी कोविड में भी जहां इतनी मौतें हो रही है, जहां पे इतनी मौतें हुई है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग आज भी जात पात की बात करते कि वो मुसलमान मरा, वो हिंदू मरा, नहीं, यहाँ इंसान मरा है, कोई कोई हिंदू या मुसलमान नहीं मरा है। तो ये क्वेश्चन है सर जो हाँ बहुत टाइम लगेगा हमको और हमें इस पे फोकस करना चाहिए। पहला रिसेंटली जो है कर्नाटका में इतनी सारी डेथ हुई इस कास्टिज्म को लेके, तो आपको क्या लगता है, मतलब अभी भी जो है पिछड़ापन है हमारे देश में इस चीज को लेके? बिल्कुल है सर, अगर एक कोई पब्लिक फिगर जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, 50 लाख है, 50 मिलियन है, अगर वो एक कार्ड खेलता है आज भी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं यहाँ का बंदा हूं, कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात है, उसके दिमाग में ये बात है कि मुझको मेरे अंदर मेरी कास्ट का प्राइड है। कर्नाटका में आपको मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, लास्ट ईयर 2020 से लेके 21 अप्रैल तक 2500 केसेस बढ़े हैं, जहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड किए हैं, मर्डर के, एक्यूजेशन के, बहुत सारे अदर केसेस जो है वो रजिस्टर किए हैं, विच इज अ हाइक ऑफ 54%, वो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो ये हमें सोचने को मजबूर करता है कि एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं। अगर 54% एवरी ईयर हाइक हुआ है कर्नाटका में एक तबके को लेके, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेके इतने केसेस हाइक हो रहे हैं, तो सब कुछ सही नहीं है, जो आप दिखा रहे हो वो अच्छा नहीं है,
वहां आपको सोचना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं और ये क्यों हो रहा है। राइट, और एट्रोसिटी का जो क्वेश्चन है हमारे देश में वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज भी, तो आपसे जानना चाहूंगा आप इसका क्या सोल्यूशन समझते हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं इस बारे में। सबसे पहले हमको समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का जो रिजिड मीनिंग है वो ये है, कोई भी क्रूअल काम, कोई भी क्रूअल क्राइम किसी इंसान के अगेंस्ट जब किया जाता है उसको एट्रोसिटी बोला जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा जब संविधान लिखा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें एक जो है ये वर्ड को बहुत प्यार से और बहुत सोच समझ के पेश किया, जिसको हम बोलते हैं एट्रोसिटी, जो कि बना है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। एंड दिस सेक्शन फॉल्स अंडर सेक्शन 3। अब इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान जो इस कास्ट का होता है उसके अगेंस्ट में जो भी इंसान क्राइम करता है, गंदी भाषा करता है, गंदे अल्फाज बोलता है, कुछ भी हीनस क्राइम करता है, उसको बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट। इस एक्ट में क्या होता है कि आपको आज भी वो लीगल मैं घुसूंगा नहीं, मैं मोटा मोटा बताऊं कि आज भी अगर जब मैं बात करूं कर्नाटका यूपी बिहार जहां पे आज भी कास्टिज्म जो है वो एड्स से गंदी बीमारी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एड्स का क्योर भी है, बट ये जो सोच है कि मैं ब्राह्मण हूं मैं राजपूत हूं, ये जो जात पात का जो आपको वायरस है उसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया, तो उसका रेपरकशन ये होता है जो लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं इस कास्ट के एससी कास्ट से एससी का शेड्यूल ट्राइब से जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनको भी आज की तारीख में आज भी पार्शियलिटी महसूस होती है। आपको एग्जांपल दूंगा, इंडिया में आजकल जो है रेसिज्म वो होता है इनडायरेक्ट। अगर मैं आपसे मिला, आप कोई बहुत बड़ी पोस्ट में है, मैं आपका सरनेम पूछूंगा। क्यों पूछता हूं मैं सरनेम? मैं आपको जज करूंगा कि आपकी कास्ट क्या है। अगर आप कोई फला आदमी है और आप एसटी कास्ट के हैं या एसटी हैं तो मैं अपने दिमाग में आपको जज कर लूंगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पार्शियलिटी। और आज भी आप इन लोगों को देखो, दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ। क्यों? इंडिया में अगर हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सब विकास में ये भी तो आएंगे, ब्राह्मण एससी एसटी, देयर शुड बी नो लॉ ओनली मैथ्यू, एट्रोसिटी लॉ है ही क्यों और केसेस हाई हो क्यों रहे? तो क्वेश्चन ये है कि सारा लॉ निकाल के हमें जजमेंट को जो वहां बेंचमार्क है वो होना चाहिए कि भाई इंसान सेफ रहे। लेकिन आज भी हम उसी डिबेट में हैं, एट्रोसिटी ब्राह्मण जात पात। तो सर मैं अगेन वही बात घूम करके आती है, लॉ हैज टू बी चेंज, अमेंडमेंट करना, बिकॉज ये जो एक्ट है ये 1989 का एक्ट है, तो इसमें अभी भी हमको काफी अमेंडमेंट की जरूरत है। जब आप बात जाती है, हालांकि इनके लिए स्पेशल कोर्ट भी डिजाइन किया हुआ है, काफी सहूलियत दी गई है, बट जब ग्राउंड रियलिटी में आती है बात, इनको बहुत मुश्किल आज भी जाती है। तो हमको इनके लिए लॉ नहीं चाहिए, मुझे लगता है हमको इनको ना सपोर्ट चाहिए, हमें हर इंसान की सोच को रेक्टिफाई करना है, उस सोच के अगेंस्ट हमको कुछ लॉ लेके आना चाहिए। हमें इंसान के अगेंस्ट लॉ नहीं चाहिए, हमें उस गंदी सोच के अगेंस्ट में लॉ चाहिए जो ये सोच रखती है कि ये छोटा आदमी है मैं बड़ा आदमी। Also, उसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में भी हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे देश में या फिर नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल, जब मैं बात करूं कि एक ब्राह्मण भी एक नॉर्मल इंसान है, फॉर एग्जांपल जिसका भी नाम लिया आपने, वो भी क्रिकेटर है, मेरी नजर में इज अ क्रिकेटर, मुझे नहीं पता उसकी कास्ट क्या, तो सेम वे अगर आप रिजर्वेशन रखते हैं क्यों? जिस इंसान में काबिलियत है, जिस इंसान में कैलिबर है, जिस इंसान ने मुद्दा रखता है वो अपने आप आए। मैं इंसान को इंसान के तौर पे जज करना चाहता हूं, ना कि जात पात रिजर्वेशन। जो मापदंड होना चाहिए इस देश में किसी इंसान को आंकने का, जांचने का, परखने का, वो सिर्फ और सिर्फ उसके कैलिबर पर होना चाहिए, ना कास्ट पे, ना कलर पे, ना उसके रंग पे, ना कोई भेद पे। 21st century में जी रहा हूं मैं, अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो साथ ही साथ मुझको सोच में भी चाहिए ना आजादी। आजादी मुझे संविधान ने दिया है, सोच ने अभी भी मुझको बंद कर रखा है। मैं आज भी वही बात करता हूं कि रिजर्वेशन चाहिए मुझको। अच्छा, यहां भी एक ट्रिक है, जो लोग रिजर्वेशन मांगते हैं वो भी हिपोक्रेट है, क्योंकि जब आप रिजर्वेशन मांगते हैं तो आप अपने आप को दयनीय को दिखा रहे हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग आदमी है। घूम फिर के बात वही आती है, आप इंसान है, इंसान है, इंसान को सिर्फ बेंचमार्क चाहिए अपने कैलिबर पे।
So I am totally against the whole type of reservation, and I don't genuinely believe that we have to have something, a strong law which can demolish the whole process of reservation. कई लोगों का नुकसान होता है, जो इंसान डिजर्व करता है उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए सर, पीरियड। राइट, अब आते हैं